Assalamu alaikum dear students. Lecture number 4. In this lecture we discuss about the practical of to verify the law of mass of vibrating stress string using a sonometer. In the previous lecture we discussed about law of length and law of tension. Now in this lecture the third part of law of vibration is the law of mass. We discuss in details procedures and history of this law and procedure, related questions, diagram, table, results and discussion. Next is के हमारे पास outlines and lectures की वो हमारे पास हैं. सबसे पहले previous knowledge इसका revise करेंगे, related to theory, apparatus, diagram. इसका procedure क्या है, किस procedure को follow करते हुए हम इसको practical को perform करेंगे. ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, रिजल्ट उसका क्या आता है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस के बाद, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमने जो है माइंड में रखना है, देन प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, एप्लीकेशंस एंड क्वेश्चंस, एंड लास्ट में आपके पास आ जाएंगी रेफरेंस बुक्स. तो रिवाइज प्रीवियस नॉलेज को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. तो हमारे पास सोनोमीटर क्या है, कि सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज सोनोमीटर. तो इसका जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, जो लॉ ऑफ टेंशन वाला हमने किया, कि सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है विच मेजर्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड एंड हेंस इट इज कॉल्ड सोनोमीटर, कि ये फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करता है जिसकी वजह से हम इसको सोनोमीटर कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ लेंथ. ये वाइब्रेशंस के थ्री लॉज होते हैं, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ मास, ठीक है. तो लॉज ऑफ वाइब्रेशन इनको कहते हैं. इससे पहले हमने लॉ ऑफ टेंशन जो है उसको डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि लॉ ऑफ टेंशन में जो है हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन होती है, ठीक है. यानी कि उसमें हमारे पास जो मास होता है और जो उसकी लेंथ एल होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ लेंथ, जो कि हम प्रैक्टिकल आज करना जा रहे हैं. तो लॉ ऑफ लेंथ हमारे पास क्या होता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसमें होता है हमारे पास एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि वन ओवर एल आएगा आपके पास. इसके अगर स्टेटमेंट्स लिखें तो ये आपके पास होता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एल. और अगर सिंप्लीफाई इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करें तो फिर क्या आ जाएगा, कि एफ इज implies that f multiply by l which is equal to constant, कि यानी कि जो आपके पास फ्रिक्वेंसी आएगी उसको लेंथ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है. कि डिफरेंट अगर आप कैलकुलेशन मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें आपके पास जो लेंथ और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो आपके पास कॉन्स्टेंट रहती है. ये एक्चुअली में हमारे पास प्रैक्टिकल होता है लॉ ऑफ लेंथ का. तो अगर इसको वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करना चाहें, इसको डिफाइन, तो आप इस तरह से कर सकते हैं. इट स्टेट्स दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है. कि हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के, टू इट्स लेंथ, प्रोवाइडेड टेंशन जो कि उसमें प्रोवाइड कर रही है टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कैप्ट कॉन्स्टेंट, यानी कि टेंशन और मास जो है वो इसमें कॉन्स्टेंट आपके पास रहेंगे. इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस लॉ में क्या होगा, जो टी और एम होंगे वो आपके पास कॉन्स्टेंट रहेंगे, फ्रिक्वेंसी का और लेंथ का जो है वो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स. अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, आपको पता है कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उनकी प्रोपिगेशन के लिए. मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन एंड कैन नॉट पास थ्रू अ वैक्यूम, कि ये एक वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, इनके लिए किसी ना किसी मीडियम की जो है वो ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास साउंड वेव्स, वेयर एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एज दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. जैसे कि अगर साउंड वेव हम लें तो उनके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल के लिए, वो वैसे ही जो है वो पास आउट हो जाती हैं. लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उसके लिए हमें
किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स कैसी हैं, ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको फिर एक दफ़ा देख लेते हैं कि जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो होती हैं आपके पास पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। इस वेव्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम में जो वाइब्रेट करते हैं वो इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन होते हैं। सिंपली अगर इसको डिफाइन करें, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। ठीक है, और इसको सिंपली याद रखने के लिए यहाँ पे जस्ट पैरेलल का साइन लगा देती हूँ कि वेव्स के जो है वो पैरेलल टू द प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स होते हैं, और जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं ये परपेंडिकुलर टू देयर डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन होते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम डिफाइन करें, द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपिगेशन। ठीक है, उसके बाद इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जिसमें टू वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं किसी मीडियम में, स्लाइटली उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है, स्लाइटली थोड़ी सी उसमें डिफरेंस आती है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है। यानी कि इस तरह से आपके पास जो दो वेव्स हैं वो मूव कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास है रेजोनेंस। के रेजोनेंस हम किसे कहते हैं, तो रेजोनेंस जो आपके पास होती है वो होती है एक इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। अगर हम मार्क करें कि एम्पलीट्यूड में कितना जो है वो इंक्रीज आ रहा है ऑफ आ बॉडी वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर द इंफ्लुएंस ऑफ द पीरियडिक फोर्स, कि कोई पीरियडिक फोर्स जो है वो उसके इंफ्लुएंस यानी कि पीरियडिक फोर्स की वजह से उस जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके एम्पलीट्यूड में कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, कितनी इंक्रीज आ रही है, उसको अगर हम मार्क करें तो हुज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम मार्क कर रहे हैं कि उसमें एम्पलीट्यूड में कितना इंक्रीज आ रहा है, और जो उसकी नेचुरल उस बॉडी की फ्रिक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी, तो तब हम कहते हैं कि ये जो फिनोमिना है यहाँ पे रेजोनेंस अकर कर रही है, ये रेजोनेंस का फिनोमिना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लॉ ऑफ मास। तो लॉ ऑफ मास आपके पास क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। थ्री लॉज ऑफ वाइब्रेशन मैंने आपको बताए थे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए थ्री लॉज होते हैं। तो लॉ ऑफ मास में क्या होता है, आपके पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एम के। अच्छा, तो लॉ ऑफ मास हमारे पास क्या होता है एक्चुअली में, उसमें हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है वो मास के स्केयर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर स्केयर रूट ऑफ एम। और इसमें क्या चीज कांस्टेंट होगी, एल और टी, जो टर्म्स नहीं लिखी वो आपके पास इसमें जो है वो कांस्टेंट आ जाएंगे, एल एंड टी जो है वो कांस्टेंट आ जाएंगे। सेकेंड आप इसको भी कह सकते हैं कि जो आपके पास होगा एफ इंटू स्केयर रूट ऑफ एम, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जो आपके पास इनका प्रोडक्ट आएगा स्केयर रूट ऑफ मास का एंड फ्रिक्वेंसी का वो इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म जो है यहाँ पर वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है कि ये नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ आर रिपीटिंग इवेंट्स, कि अगर आपके पास कोई एक इवेंट है उसमें नंबर ऑफ अकरेंस हो रही है रिपीट करिए पर यूनिट टाइम के लिहाज से, कि टाइम के लिहाज से जो उसमें चेंजेस आ रही हैं फ्रिक्वेंसी में अकर कर रही हैं उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यानी कि आपके पास इसको सिंपली आप कह सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्स होती है। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी आपके पास होती है वो टाइम पीरियड्स के इन्वर्स होती है। अगर आप इसको लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे,
एफ इज इक्वल टू, यानी कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। उसके बाद लास्ट जो आपके पास टर्म है वो है आपके पास बीट्स। अब बीट्स क्या होती हैं, ये भी एक ऑलमोस्ट जो आपके पास इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है ये उसी तरह की होती है कि एक इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है बिटवीन टू साउंड वेव्स। अब वो जो साउंड वेव्स होती हैं वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है स्लाइटली डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के जो है ऑपोजिट नहीं होती, सेम डायरेक्शन में होती है लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होती है। जो फ्रिक्वेंसी है वो जो आपके पास इंटरफेरेंस होता है उसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंस नहीं होती, वो फ्रिक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन जो बीट्स है इसमें स्लाइटली डिफरेंट जो है वो फ्रिक्वेंसी होती है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, ठीक है। और इसी तरह से जो थर्ड आपने यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपके पास स्टैंडिंग वेव्स होती हैं यानी कि स्टेशनरी वेव, उसमें होता है कि आपके पास उनकी डायरेक्शन भी जो है वो ऑपोजिट होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं होती लेकिन उसमें जो है वो डायरेक्शन जो है उसकी ऑपोजिट होती है। अब ये बीट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, कोई भी आपके पास ट्यूनिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जो है वो बीट्स जो है वो जनरेट होती हैं। के दो फ्रिक्वेंसीज के दरमियान में आप इसका डिफरेंस जो देखते हैं बीट्स का कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक की वैल्यू आपके पास एफ वन है दूसरी की एफ टू है तो एफ टू माइनस एफ वन, तो उनके फ्रिक्वेंसी में क्या डिफरेंस आ रहा है वो सारा आप बीट्स में जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस कुछ टर्म्स थी जो कि रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल्स हैं हमने डिस्कस की। जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन हैं, क्या आप जानते हैं कि ये जो आपके पास लॉ ऑफ वाइब्रेशन हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हमारे पास अकोस्टिक्स में यानी कि साउंड्स के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और किन इंस्ट्रूमेंट्स में? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इनका हम यूज़ करते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए उनकी करेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ वाइब्रेशन उनको करेक्ट करने के लिए उनकी इंस्ट्रूमेंट्स को, इसी नॉलेज को हम यूज़ करते हुए जो कि हमारे पास लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमें प्रोड्यूस करते हैं उनको यूज़ करते हुए हम उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड द अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और कुछ ये हमें हेल्प करते हैं और कुछ जो हमारे पास जो ऐसे अभी फिनोमिनास में के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी लाइक इंटरफेरेंस, रेजोनेंस एंड बीट्स, यानी कि जो बीट्स का फिनोमिना है या इंटरफेरेंस का, रेजोनेंस का, उनका भी कॉन्सेप्ट हम इसमें थोड़ा सा जो है वो यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे हम डिफरेंट प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, लॉ ऑफ टेंशन है, लॉ ऑफ मास है, लॉ ऑफ लेंथ है, तो उनमें थोड़ा सा चेंज आती है, तो इस तरह से जो ये जो फिनोमिनाज है उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब किस इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा फिनोमिना जो है वो अकर हो रहा है हम यूज़ कर रहे हैं उसका कंसेप्ट वो हम देखते हैं। उसके बाद के जो ऑपरेटर्स हम इस प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल, सोनोमीटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, थ्री ट्यूनिंग फॉक्स लेते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, स्लॉटेड वेट्स विद हैंगर्स के साथ जो आप वेट पुट करते हैं वो आप लेते हैं इसमें, यानी कि वेट बॉक्स में भी होते हैं, वैसे भी हैंगर्स के साथ जो वेट्स लगते हैं वो भी आप उसके साथ लेते हैं, रबर पैड लेते हैं, शार्प वेजेस आप इसमें भी लेंगे टू शार्प वेजेस, और उसके साथ मेटेलिक वायर आप एक लेते हैं, ठीक है, मेटेलिक वायर लेंगे, पेपर राइडर्स यानी कि आप पेपर का एक पीस छोटा सा लेंगे जो कि वी शेप में लेते हैं, मीटर रॉड होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया ऑपरेटर्स में जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल किया उससे, कि इसमें हम जो वायर है ना लॉ ऑफ मास हमने वेरीफाई करना है तो इसमें वायर की जो है वो हम चेंज करते हैं, तो इसलिए वायर का जो है वो हम उसको जो है वो करते हैं मेजर बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है वो मेजरमेंट करते हैं उसकी वायर की कि वो कितने आपके वायर की लेंथ है या कितना उसका वेट है वो हम मीटर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है वो मेजर कर लें आप इसको। ये आपके पास सोनोमीटर है जी बच्चों, अगर आपसे मैं यहाँ पर पूछूँ कि ये आपके पास क्या है, ये जो ब्लैक वाले हैं इसको एक तो मूवेबल ब्रिज लिखा हुआ है और इसको हम क्या कहते हैं,
शार्प वेजेस। और ये जो ब्लैक कलर में एक लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होगी हमारे पास? बताइए। मेटालिक वायर, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली चीज क्या है? फ्रिक्शनलेस पुली। जी जी बच्चों, ये आपके पास क्या है? स्प्रिंग होल्डर, यानी कि जो आपके पास वायर की एक साइड होगी वो तो आप पुली के साथ लगाएंगे, ठीक है, फिक्स करेंगे। जो दूसरी होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग होल्डर होता है, यानी कि जैसे आपके पास नट सा नहीं होता, उसके साथ ही अटैच जो है वो फिक्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो लगाएंगे, ये मीटर रॉड है, मीटर स्केल है, ये साथ में भी अटैच होते हैं। आप सेपरेटली भी मीटर रॉड जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो आप वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है आप देखने कितना आ रहा है, कितना टोटल बन रहा है, उसको भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं, ये आपका ओल्ड इस तरह से होता था आपके पास सोनोमीटर, इस फॉर्म में ये मॉडिफाई फॉर्म है सोनोमीटर की, जो कि यहाँ पर शो की जा रही है। तो ये पुली है, ये हैंगर है जिसके साथ आप वेट जो है वो पुट करते हैं। अब पहले इससे प्रीवियस हमने दो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं, जो कि हमने एक लॉ ऑफ टेंशन वाला और लॉ ऑफ लेंथ वाला। उसमें लॉ ऑफ टेंशन वाले में हम क्या करते थे कि लेंथ की वैल्यू जो है वो चेंज करते थे, देन उसका डिस्टेंस जो है वो मेजर करते थे और मास कॉन्स्टेंट रखते थे, ठीक है। सेकेंड जो हमने प्रैक्टिकल किया लॉ ऑफ लेंथ वाला, उसमें हमने क्या किया, मास हम चेंज करते जा रहे हैं, लेंथ एक दफ़ा फिक्स कर लेंगे उसको फिर चेंज नहीं करते, ठीक है। वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं कि आपके पास जो है वो किस पे जो है वो पेपर राइटर जो है वो फॉल कर रहा है, और वो डिस्टेंस जो है वो फिर वैल्यू हमारी किस वजह से डिफरेंस आती है, ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से, लेकिन हमने जो है वो उसका मास चेंज करते जाना है, वेट। अब ये थर्ड है आपके पास जो लॉ ऑफ मास वाला प्रैक्टिकल है, इसमें हम अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये जो है लेंथ या मास जो है वो कॉन्स्टेंट, इसमें हम ये जो वायर है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग वायर है, ये स्ट्रिंग होल्डर के साथ इसका एक कनेक्ट, एक जो एंड है वो कनेक्ट किया गया, और दूसरा पुली के साथ ये जो वायर है इसकी कितनी विड्थ है, मोटाई क्या है, ये हम चेंज कर देते हैं कि पहले एक वायर लगाई उसके अकॉर्डिंग हमने रीडिंग्स ले ली, फिर दूसरी वायर लगाएंगे, फिर तीसरी, तो उसके अकॉर्डिंग। तो इस लैब में और उन प्रैक्टिकल्स में ये डिफरेंस है। तो अब ये जो हमारी लैब में अभी जो है वो आपके पास जो एक फिक्स वायर कर दी गई है, जो कि इसके साथ जिससे हम प्रैक्टिकल, तो जी स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ मास वाला जो है प्रैक्टिकल हम लोगों ने किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है, तो उसमें हमारे पास जो है सबसे पहले जो है आई टुक थ्री वायर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रही थी कि उनकी विड्थ क्या है, डिफरेंट डायमीटर जो हैं, तो वो थ्री डिफरेंट वायर्स आपने लेनी है डिफरेंट डायमीटर्स की, ठीक है। तो वो डिफरेंट डायमीटर्स की वायर है, नहीं होती है कि डायमीटर्स की जो सब सोनोमीटर के साथ लगाई गई है, आपने फिर उसको चेंज करना है कि थ्री वायर्स लेनी है डिफरेंट डायमीटर्स की, एंड फाउंड देयर मास पर यूनिट लेंथ फॉर ईच वायर, और हर एक की मास पर यूनिट लेंथ जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है कि जो आप वायर ले रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, वो आपने देख लेनी है। फिर मास पर यूनिट लेंथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डायमीटर्स उनका डिफरेंट है, तो उनकी मास जो है वो भी डिफरेंट होगा। हर एक का आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है वो मास जो है वो कैलकुलेट कर लें, उसके ऊपर मेजर कर लें कि कितना कितना आपके पास आ रहा है हर वायर का, तो उसको टोटल लेंथ पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो वायर की आ जाएगी। आई फिक्स वन एंड ऑफ द वायर ऑन सोनोमीटर एंड सस्पेंड इट सूटेबल मास विद हैंगर, एक एंड आपने उसके साथ जो है वो फिक्स कर देना है वायर का सोनोमीटर के साथ, जहाँ पे वो आपके पास स्ट्रिंग होल्डर लिखा हुआ था उसके साथ, और दूसरा एंड फाउंड विद सूटेबल मास विद हैंगर, और दूसरा जो है वो जो सस्पेंडेड हैंगर आपके पास मास के लिए लगा हुआ है उसके साथ। आई पुट वी शेप पेपर राइडर ऑन द वायर इन बिटवीन द वेजेस एंड फाउंड रेजोनेंट लेंथ बाई यूजिंग फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्म, ठीक है। आपने वी शेप का पेपर लेना है, पेपर राइडर जो के बिटवीन द वेजेस जो है वो पुट करना है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम्स में और प्रीवियस प्रैक्टिकल्स में भी किया कि ये आपके पास दो वेजेस होंगे जो कि सोनोमीटर के ऊपर आपने पुट करने हैं, उनके दरमियान में जो है वो आपने यहाँ पे पेपर राइटर जो है वो लगाना है, जो स्ट्रिंग है आपके पास वायर उसके ऊपर,
तो वो पेपर राइडर जो है वो आपने देखना है कि किस पॉइंट पे जाके जो है वो फॉल करता है, कितना डिस्टेंस होता है आपके पास उसका, वो आपने सारी वैल्यूज यहाँ के साथ साथ नोट करके जाना है। एक ट्यूनिंग फॉक लेना है, उसको यूज़ करते हुए आपने देखना है कि पेपर राइडर जो है उसकी जो है वो रेजोनेंट लेंथ कितनी है, कितनी आई है जिस पे पेपर राइडर जो है वो फॉल करें। आई टुक अनदर वायर हैविंग डबल डायमीटर, अब एक और वायर लेनी है, पहले एक ले लिया सिंगल, अब एक और वायर लेनी है जिसका जो डायमीटर जो है वो हैवी हो, ठीक है, यानी कि उसके उससे डबल हो के जो पहले आपने एक ली है उससे डबल है अब जो आप ले रहे हैं। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, अब वो पहली वाली डायमीटर वायर जो है वो आपने निकाल के फिर उसको जगह जो है वो डबल डायमीटर की जो वायर होगी वो पुट कर देंगे ऑफ द फर्स्ट वायर एंड फिक्स्ड ऑन द सैनोमीटर। फिर उसको भी इस तरह से सैनोमीटर के साथ एक साइड पे फिक्स कर देना दूसरी हैंगर के साथ बाय कीपिंग मैस सस्पेंडिंग एंड रेजोनेंट लेंथ कॉन्स्टेंट। अब जो पहले आपने लेंथ रखी थी लेंथ वही रहने देनी है, मैस भी वही रहने देना है, ठीक है, लेकिन चेंज क्या करना है, सिर्फ वायर को चेंज करना है। आई रिपीटेड द सेम प्रोसेस बाय यूजिंग सेकंड वायर, और सेम वैसे ही ट्यूनिंग फॉक को यूज़ करते हुए सेकंड आपने जो है उसको रिपीट करना है। सेकंड वायर के लिए भी वही सेम प्रोसेस। आई ऑब्जर्व दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ सेकंड ट्यूनिंग फॉक यूज इट हाफ डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। हमने फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे जब इस प्रैक्टिकल को हम रिपीट करेंगे उसको सेम वायर को चेंज करते हुए, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी आती है सेकंड ट्यूनिंग फॉक की जो हम यूज़ कर रहे हैं इज़ हाफ डायमीटर ऑफ द वायर इज़ डबल, वो हाफ हो जाती है अगर हम डायमीटर डबल करते हैं, यानी कि आपने लेंथ का डायमीटर डबल कर दिया तो आपकी जो ट्यूनिंग फॉक की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कम होगी जिस पे आपका पेपर राइडर जो है वो फॉल करेगा। अगर डायमीटर आपके पास कम है और ट्यूनिंग फॉक जितनी लेंथ पे आपके पास वो पेपर राइडर फॉल कर रहा है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी उसकी कम होगी। अगर डायमीटर आप ज़्यादा होगी उसकी, अगर डायमीटर ज़्यादा कर दिया तो कम ट्यूनिंग फॉक की फ्रिक्वेंसी पे जो है वो पेपर राइडर फॉल करेगा। ये चीज़ें आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए। सिमिलरली आई रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट बाय फिक्सिंग थर्ड वायर ऑफ डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर। अब जो फर्स्ट ली थी उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको जो है वो करेंगे सेकेंड को, ठीक है, थर्ड वाले को। अब थर्ड वाली जो हमने लेनी है जो फर्स्ट की जो डायमीटर था उससे ट्रिपल लेनी है, ठीक है, थ्राइस यानी कि थर्ड टाइम उसका ज़्यादा होना चाहिए। जो पहले अगर लेट्स सपोज के टू डायमीटर की आपने वन मीटर की उसकी विड्थ ली है वायर की, तो फिर सेकंड जो है वो टू डायमीटर की लेते हैं, थर्ड आप थ्री डायमीटर की लेंगे इस तरह से। आई नोटेड दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉक यूज इन द थर्ड केस वाज वन थर्ड दैट ऑफ द ट्यूनिंग फॉक यूज इन द फर्स्ट केस, कि सबसे पहले में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फॉक था, जब हमारी सेकंड पे जो रीडिंग आई है वैल्यू आई है उसकी फ्रिक्वेंसी उससे हाफ होगी, डायमीटर ज़्यादा किया, अब डायमीटर जो है वो थ्री टाइम्स ग्रेटर किया तो वो वन थर्ड ऑफ द फ्रिक्वेंसी होगी ट्यूनिंग फॉक की, ठीक है। इन ईच केस आई कैलकुलेटेड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड स्क्वायर रूट ऑफ द मैस, आपने जो मैस लॉ ऑफ मैस का जो आपके पास फार्मूला है वो आपने कैलकुलेट करना है ये सब की वैल्यूज लेते हुए। देन पॉइंट टेन है एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एम रिमेंस कॉन्स्टेंट। फिर हम देखते हैं कि तीनों केसेस में जो हमारे पास ये इसकी जो प्रोडक्ट आया है फ्रिक्वेंसी और स्क्वायर रूट ऑफ मैस का वो कॉन्स्टेंट आता है, सो लॉ ऑफ मैस इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ मैस को वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट आती है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है। तो अब इसका टेबल हम देखते हैं कि टेबल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे थर्ड प्रैक्टिकल के लिए जो के लॉ ऑफ मैस का है। तो उसमें हमारे पास आता है रेजोनेंट लेंथ ऑफ द वायर, तो नेक्स्ट देखें रेजोनेंट लेंथ ऑफ द वायर आपने सबसे पहले मेजर करके लिख लेनी है कि रेजोनेंट लेंथ क्या है वायर की। स्ट्रेचिंग फोर्स इन द स्ट्रिंग आपके पास जो है वो टेंशन कितने ग्राम वेट पे वो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है टेबल ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर कितनी दफ़ा आप वो प्रैक्टिकल को रिपीट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक जो आप ले रहे हैं वो आप उसमें लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल मैस कितना है आप हैंगर का प्लस जो उसमें आपने पुट किया है वो आप लिखेंगे, लेंथ आपके पास वायर की कितनी है वो आपने लिख ली, ठीक है, टोटल लेंथ। और फिर मैस पर यूनिट लेंथ जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि जो आपका मैस था टोटल मैस उसका और डिवाइडेड बाय जो उसकी लेंथ थी वायर की उस पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास मैस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है
स्केयर रूट लेंगे हम मैथ्स का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में स्केयर रूट यूज़ करते हैं हम, एफ इंटू स्केयर रूट ऑफ एम, तो वो यूज़ करते हैं। तो फिर हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो इसके जो यूनिट्स उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आपके पास जो मैथ्स आया है उसका स्केयर रूट ले लें, लास्ट में आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आप ट्यूनिंग फोर्क की यूज़ कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें स्केयर रूट ऑफ एम जो आपने कैलकुलेट किया है उसके साथ, तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। इसी तरह से सेकंड आप वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेंगे सेकंड डायमीटर ऑफ वायर के लिए, फिर थर्ड आप लेंगे थर्ड जो वायर के डायमीटर लिया है उसके लिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो आपके पास आ रही है वैल्यू एफ मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट ऑफ एम वो कॉन्स्टेंट आ रही है। फिर आप लास्ट में इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में क्या करते हैं, इनकी तीनों की ऐड कर लेते हैं जो आपके पास ये आ रहा है उसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास मेन जो उसकी वैल्यू होती है वो आपके पास आ जाती है, जो कि वेरीफाई कर लिया हमारे पास लॉ ऑफ मैथ वो पर वाइब्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के। तो ये उसका टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आप उसकी परफॉर्मेंस करते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट ऑफ एम इज कॉन्स्टेंट, कि हमारे पास जो है एफ जो फ्रिक्वेंसी है वो वाइब्रेटिंग स्ट्रेस स्ट्रिंग की वो मल्टीप्लाई बाय स्केयर रूट ऑफ एम इज कॉन्स्टेंट आती है, देयर फॉर इसलिए लॉ ऑफ मैथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हमारे पास जो लॉ ऑफ मैथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो प्रिकॉशंस देखें इसकी आप, ये जो हमने वायर वाला प्रैक्टिकल किया है लॉ ऑफ मैथ वाला, इसमें प्रिकॉशंस क्या है, द वायर यूज्ड शुड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म डायमीटर स्ट्रेट एंड फ्री ऑफ क्रीक। ठीक है, कि जो आपके पास डायमीटर है वो यूनिफॉर्म डायमीटर उसका होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, कोई भी उसमें जो है क्या कहते हैं उसको किंक्स ये नहीं होने चाहिए, कोई भी डैम्प वगैरह यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। द मैथ्स ऑफ द हैंगर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द मैथ सस्पेंडेड, जो हैंगर का मैथ है वो भी आपने उसमें इंक्लूड करना है जो मास सस्पेंडेड है। ठीक है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट एट द पुली एक्सल मे रिड्यूस द टेंशन, सो द फ्रिक्शन मस्ट बी रिड्यूस टू मिनिमम बाई यूजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या आपने पुली के ऊपर जो है उसको फ्रिक्शनलेस जो है बनाने के लिए कि आपके पास जो है उसका कोई भी इफेक्ट ना हो उसको पुली के एक्सल का, कि वो टेंशन को रिड्यूस कर दे, उससे बचने के लिए उसको कम करने के लिए द फ्रिक्शन मस्ट बी रिड्यूस, को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब उसको किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज़ करते हुए वो हम पुली पे लगा लेते हैं, जैसे मोस्टली हम जो है ये डोर वगैरह को या कोई आपके पास डिवाइस है मशीन है उसमें भी आप ऑयल यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप वहाँ पे फ्रिक्शन जो पुली है उसके ऊपर भी लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा के उसको यूज़ करते हुए आप उसकी फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग वेज ऑफ शार्प एजिस। ठीक है, शार्प वेज एजिस के वेज लेने हैं आपने। कीप द ट्यूनिंग फोर्क वर्टिकल ऑन द वुडन बोर्ड, ठीक है, जो आपके पास सोनोमीटर का बॉक्स है उसके ऊपर आपने वर्टिकली उसको रखना है ट्यूनिंग फोर्क को, एंड इंश्योर दैट इट डज नॉट टच द वायर, और ये जो है वो कंफर्म करना है कि वो वायर को टच ना करे। मेजर डिस्टेंस फ्रॉम शार्प एंड्स ऑफ द वेज, आपने डिस्टेंस को मेजर करना है जो शार्प एंड्स है वेजिस के, वहाँ से एक एज से लेके दूसरे एज तक वेज तक। ठीक है, ये उसकी कुछ प्रिकॉशन लेंथ मैथ एंड टेंशन है, तो वही के इसको हम साउंड की जो फील्ड है उसमें अकोस्टिक की उसमें हम यूज़ करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, ह्यूमन स्पीच एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये 3 इसकी एप्लीकेशन जिसमें हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में इनको हम यूज़ करते हैं। Here is the question related to this practicals and also asks in the Vivas. You can practice from these questions. What types of vibrations are set up in the sonometer wires? We discussed in the previous lecture electromagnetic waves, force vibrations and sonometer ko hum sonometers kyun kehte hain, why is sonometer so called,
ये सारे जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि सोनोमीटर से रिलेटेड लेक्चर है फोर्स वाइब्रेशंस ऑफ ला, इसीलिए हम यहाँ पे इनको फर्दर जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। प्रीवियस लेक्चर से भी आप इनको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। में ये हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक्स हैं, कुछ वैसे थ्योरी की हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को फर्दर जो है वो डिटेल्स में देख सकते हैं। हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिकल्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।